अस्सलाम वालेकुम, आ वेरी वेलकम टू यू ऑन माई चैनल, दिस इज़ रुबाब। आपको जो ये कटलेट दिख रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी है। आपके घर में जो बची हुई दाल होती है हमने उसे ट्राई किया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया मूंग की दाल। मूंग की दाल जो बनी हुई हमारे पास बच जाती है तो नेक्स्ट डे हम जो है उसके कटलेट बना सकते हैं। तो इस मूंग की दाल में मैं डाल दूंगी 3 बॉयल आलू। इसमें अब शामिल करेंगे 4 ब्रेड के स्लाइस। उसको बिल्कुल ही आपने मैश कर लेना है, इस फॉर्म में पाउडर फॉर्म में ले आइएगा। इसमें जाएगा नमक हसबे जायका, गरम मसाला 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, ज़ीरा आधा चम्मच, चाट मसाला 2 टेबलस्पून। सारे मसाले मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छी तरीके से मिक्स। मसाले हो चुके हैं अच्छी तरीके से मिक्स। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 कप सूजी। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको सूजी को जो है इसके साथ जो हमने बैटर बनाया है इसके साथ आप मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है इस बैटर को, ताकि जो है वो सूजी थोड़ा फूलना शुरू हो। अब आप इसको कटलेट की फॉर्म दे दीजिएगा, आपको जो भी अच्छी लगती है आप उस फॉर्म में जो है वो कटलेट बना सकते हैं। अब पैन पे डालेंगे ऑयल और इनको करेंगे हम अच्छी तरीके से फ्राई। तो एक साइड आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से हो चुकी है फ्राई, तो अब इसको जो है वो पलट के दूसरी साइड को भी हम कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्राई। तो हमारे कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, तो आइए इसे डिश आउट करते हैं। दाल कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।